हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ प्रीति. आई होप पहले आपने मेरे ट्रैवल वीडियोस देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे. उन सारे ट्रैवल वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. इस वीडियो में मैं आपसे अंडमान ट्रिप से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपके ट्रिप को बहुत ही इंजॉयबल और कम्फर्टेबल बनाएंगी. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नंबर 10, आप जब भी अंडमान जाएं तो अपने साथ एक अम्ब्रेला और एक कैप ज़रूर कैरी करें, क्योंकि अंडमान में आप जब भी जाएंगे या तो वहाँ बहुत बारिश होगी या तो वहाँ तेज़ धूप होगी. तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने साथ एक अम्ब्रेला और एक कैप ज़रूर कैरी करें. नंबर 9, आप जब भी अंडमान जाएं अपने साथ आप एक बढ़िया सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करें, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर बीचेस में वाटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, वहाँ पे बीचेस पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको सनबर्न हो सकता है. तो यस, आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर एक बढ़िया सनस्क्रीन अपने साथ कैरी करें. नंबर 8, अगर आप अंडमान जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ बेसिक मेडिसिन और कुछ एंटी एलर्जिक ज़रूर कैरी करें अपने साथ, क्योंकि हैवलॉक और नील आइलैंड थोड़ी छोटी जगह हैं तो वहाँ पे ऑड आवर्स में मेडिकल शॉप्स वगैरह का एक्सेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक मेडिसिन वगैरह ज़रूर कैरी करें. और मोस्ट ऑफ़ द टाइम वहाँ पे आप नेचर के बहुत करीब होते हैं, आप काफ़ी टाइम पानी में स्पेंड करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कुछ एलर्जिक वगैरह हो सकती है. तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आप अपने साथ एक एंटी एलर्जिक ज़रूर कैरी करें. नंबर 7, आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट्स और ढाबा में ज़रूर लोकल फूड ट्राई करें. मेरे एक्सपीरियंसेस में वो बहुत ही फ्रेश, बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर उन्हें ट्राई करें. डोंट हेजिटेट टू ट्राई द लोकल फूड फ्रॉम देयर. दे आर वेरी टेस्टी, वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी वेरी फ्रेश. एज वी नो, मोस्टली पीपल इन इंडिया आर नॉन स्विमर्स. तो येस, मैं भी एक नॉन स्विमर थी, लेकिन अब मैं स्विमिंग सीख गई हूँ. तो जब आप अंडमान में वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप थोड़े डरे हुए रहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल मत डरिए. आप पूरा इन वाटर एक्टिविटीज़ को इन्जॉय करिए, बी फेयरलेस, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ कराई जाती हैं वो बहुत ही सारे सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख कर कराते हैं, और जो लोग भी उन्हें करवाते हैं वो हाईली ट्रेंड और प्रोफेशनल होते हैं. सो प्लीज़ यू इन्जॉय ऑल द एक्टिविटीज़ इन अंडमान, और बिल्कुल भी ना डरें और इन्जॉय करें. नंबर 5, आई विल सजेस्ट कि आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें, क्योंकि हैवलॉक और नील आइलैंड थोड़े छोटे आइलैंड हैं तो वहाँ नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, और बहुत सारे शॉप वगैरह पे कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं होता है नेटवर्क इशू के कारण. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ कैश पूरा कैरी करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. नंबर 4, यस, इट इज़ सजेस्टेड नॉट टू टेक इंटरनेट फॉर ग्रांटेड. अंडमान में इंटरनेट को प्लीज़ आप ग्रांटेड मत लीजिए, स्पेशली हैवलॉक और नील आइलैंड वगैरह जैसे छोटी जगहों पे. यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क बहुत ही पुअर है, तो आप प्लीज़ इसे ग्रांटेड मत लीजिए. और बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल्स वगैरह रिसेप्शन एरिया पर कुछ देर वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, मगर उनका स्पीड बहुत ही स्लो रहता है. सो यस, और वहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं वो आपके मिनिमम बिल अमाउंट पे आपको कुछ देर के लिए वाईफाई का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं. सो यस, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें, क्योंकि वहाँ नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. नंबर 3, अंडमान में लोकल ट्रांसपोर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप ऑटो और टैक्सी ऑपरेटर वगैरह से थोड़ा बार्गिन कर सकते हैं वहाँ पर. और वैसे तो आप लोकल घूमने के लिए वहाँ स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, और रेंट में भी थोड़ा नेगोशिएशन चलता है, तो आप नेगोशिएट थोड़ा कर सकते हैं. नंबर 2, अंडमान में बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट वगैरह होते हैं वहाँ का एंट्री और एग्ज़िट टाइमिंग फिक्स होती है, तो आप प्लीज़ कहीं भी जाने से पहले, और वो सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलोड होती हैं, तो आप प्लीज़ कहीं भी जाने से पहले, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पर आप जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले टाइमिंग, एग्ज़िट टाइमिंग, एंट्री टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें ज़रूर कंफर्म कर लें. वहाँ के कुछ फेमस बीचेस भी सनसेट के बाद बंद हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम वाटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सेकेंड हाफ के बाद बंद हो जाती हैं. सो यस, और वैसे बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल वगैरह हैं जिनके बीचेस का प्राइवेट एक्सेस होता है, तो वहाँ पे आप इवनिंग में आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं. और बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट जो हैं वो बीच साइड पर कपल्स को
बढ़िया कैंडल लाइट डिनर भी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जिनका कॉस्ट 3500 से 4500 पर कपल होता है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप पोर्ट ब्लेयर में हैं तो आप क्रूज़ पर बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं, डिनर वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप अंडमान जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।